हनुमान जयंती क्या है और क्यों मनाया जाता है। हनुमान जयंती एक हिंदू धार्मिक त्यौहार है जिसमें कि भगवान श्री हनुमान जी के जन्म दिवस को काफ़ी जश्न के साथ मनाया जाता है। हनुमान जयंती हिंदू धर्म के अनुयायियों के द्वारा मनाया जाने वाला काफ़ी प्रसिद्ध पर्व है। इसे भारत देश के अलावा अन्य देशों में भी मनाया जाता है। चूँकि भारतवर्ष में हिंदू धर्म के अनुयायियों की जनसंख्या सभी धर्म के अनुयायियों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए भारत देश में इस पर्व की बहुत धूमधाम देखी जाती है। हालांकि बाकी देशों में भी इस दिन हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा व्रत आदि रखा जाता है तथा इस दिन हनुमान जी का विशेष पूजन किया जाता है। हनुमान जयंती कब मनाई जाती है? हनुमान जयंती हर दो तिथियों को मनाई जाती है। पहली हनुमान जयंती हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत्र महीने के पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार हनुमान जयंती हर वर्ष मार्च या अप्रैल के माह में मनाई जाती है, जबकि दूसरी हनुमान जयंती कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मंगलवार के दिन मनाई जाती है, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित की गई रामायण के अनुसार हनुमान जी का जन्म कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मंगल के दिन स्वाति नक्षत्र और मेष लग्न के दिन हुआ था। एक तिथि को हनुमान जयंती के जन्मदिवस के तौर पर मनाया जाता है, जबकि दूसरी हनुमान जयंती विजय अभिनंदन महोत्सव के रूप में मनाई जाती है। हालांकि उत्तर भारत में चैत्र शुक्ल मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाने वाली हनुमान जयंती अधिक लोकप्रिय है। हनुमान जयंती क्यों मनाया जाता है? हनुमान जी को पुराणों के अनुसार भगवान शिव का 11वां अवतार माना जाता है। हनुमान जयंती वर्ष में दो बार मनाई जाती है और दोनों जयंती के पीछे अलग अलग मान्यताएं हैं। दोनों हनुमान जयंती के पीछे दो अलग कथाएं प्रचलित हैं। एक हनुमान जयंती भगवान हनुमान जी के जन्म दिवस के तौर पर मनाई जाती है। हनुमान जी का जन्म माता अंजनी की कोख से हुआ था। हनुमान जी को बहुत से नामों से जाना जाता है, जिसमें से मुख्य नाम है अंजनी पुत्र, महाबली, रामेष्ठ, बजरंगबली आदि हैं। ऐसी मान्यता है कि जब हनुमान जी का जन्म हुआ था तो उन्हें बहुत जोरों से भूख लग गई थी, तो वे सूर्य को फल समझकर उसे खाने के लिए सूर्य की तरफ बढ़े। उसी दिन राहु भी अपना ग्रास बनाने के लिए सूर्य की तरफ आ रहा था, इसलिए सूर्य देव ने हनुमान जी को राहु समझ लिया था। वहीं दूसरी हनुमान जयंती दिवाली के दिन मनाई जाती है। इस दिन हनुमान जयंती मनाए जाने के पीछे यह मान्यता है कि माता सीता ने हनुमान जी के समर्पण और भक्ति को देखकर उन्हें अमरता का वरदान दिया था। जिस दिन माता सीता ने वरदान दिया था उस दिन दिवाली थी, इसलिए दीपावली के दिन भी हनुमान जयंती मनाई जाती है। हनुमान जयंती कैसे मनाई जाती है? हनुमान जयंती बहुत से तरीकों से मनाई जाती है। बहुत से लोग इस दिन सुबह उठकर नहाने के बाद व्रत रखते हैं, तो कुछ लोग 5 या 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। इस दिन बहुत से घरों और मंदिरों में विशेष पूजन का आयोजन किया जाता है। इस दिन घरों और मंदिरों में श्री राम और हनुमान जी का भजन कीर्तन भी किया जाता है, क्योंकि भगवान हनुमान जी श्री राम जी के भक्त थे। हनुमान जी को खुश करने के लिए सुंदर कांड का पाठ भी किया जाता है। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, इसलिए हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी की मूर्ति को जनेऊ धारण कराया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार हनुमान जी ने श्री राम जी की लंबी उम्र के लिए अपने पूरे शरीर में सिंदूर चढ़ा दिया था, जिसे चोला कहा जाता है। माना जाता है कि चोला हनुमान जी को बहुत प्रिय था, इसलिए इस दिन हनुमान जी की मूर्ति में चोला चढ़ाया जाता है और कुछ भक्त खुद को भी चोला चढ़ा लेते हैं। इस दिन तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का पाठ भी किया जाता है। भगवान हनुमान जी की आरती और पूजन के बाद प्रसाद वितरित किया जाता है। बहुत जगह पर इस दिन मेले का आयोजन किया जाता है, तो कई जगहों पर इस दिन भंडारे का आयोजन किया जाता है। हिंदू धर्म के अनुयायियों के द्वारा कई जगहों पर इस दिन विशाल रैलियों का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवान हनुमान जी की छाया चित्र या फिर मूर्ति को बैंड बाजे और आधुनिक वाद्य यंत्रों जैसे डीजे आदि के साथ निकाला जाता है। हनुमान जयंती का महत्व। हिंदू धर्म में हनुमान जयंती का बहुत महत्व माना गया है। हनुमान जी का नाम हिंदू धर्म के प्रमुख भगवानों में गिना जाता है। हनुमान जी प्रभु श्री राम के परम भक्त थे।
पुराणों के अनुसार प्रभु हनुमान शिव जी के 11वें अवतार थे। हिंदू धर्म में भगवान हनुमान को परम बलशाली माना जाता है। कहा जाता है कि हनुमान जी को सिर्फ याद करने से सारे कष्ट हर जाते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, इसलिए महिलाएं हनुमान जी को स्पर्श नहीं करती हैं। महिलाएं हनुमान जी को बिना स्पर्श किए पूजा पाठ कर लेती हैं। मंगलवार को हनुमान जी का दिन माना गया है। हनुमान जी के भक्त इस दिन मांस, मदिरा और अशुद्ध चीज़ों से परहेज करते हैं। हनुमान जी के व्रत को भी कठोर तप माना गया है, क्योंकि हनुमान जी के व्रत में साफ सफाई एवं शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता है। जय बजरंगबली।